हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्टिस्मार्ट गेमिंग में। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले का वीडियोस लाता ही रहता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल वाले घंटे आइकन को भी दबा देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ बूट कैंप पे और मुझे यहाँ पे उतरते ही मिल जाता है लेवल 3 का बैकपैक, एक M16A4 और कार 98K। ये मैच होने वाला है FPP। यहाँ पे मैं रिएक्शन टाइम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने सोचा है क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर दिया जाए। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ शानदार रिफ्लेक्सेस की क्लिप्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दो दो M24 मिल चुका है। यहाँ पे मैंने एक बंदे को डाउन किया और ये दूसरा बंदा जिसको मैं डाउन कर दिया हूँ। और अगर दोस्तों आप भी मेरे तरह ऐप पे भी करने के शौकीन हो तो अपना यूज़र नेम और गेम आईडी कमेंट पे छोड़ देना, तो हम सब्सक्राइबर मैच कर सकते हैं FPP में। काफ़ी लोगों को FPP खेलना पसंद नहीं आता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि FPP खेलने का बहुत सारा फायदा है। जैसे कि आपका रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप FPP खेलोगे, मतलब आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। फटक से पिक करके झटक से हेडशॉट मार सकते हो कार 98 या फिर AWM से। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं FPP खेलने का। और एक मज़ेदार फ़ायदा ये है कि जब आप किसी को भी आप चुपके से देख रहे होगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देख रहा होगा। मतलब कि TPP में जब आप दीवार के पीछे छुप के चीटिंग कर सकते हो, वैसे आप FPP में नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे FPP के बारे में। तो दोस्तों, ये था FPP का कुछ फ़ायदा जिससे आप FPP खेलना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी एक बंदे को देखता हूँ, वो घुसता है, दौड़ के चला जाता है घर के बाहर, मतलब वो लूट भी नहीं करता घर को। फिर मैं देखता हूँ कि वो सड़क से कहीं भाग तो नहीं गया, पर मुझे वो दिखता ही नहीं। और एट लास्ट वो जो बोर्ड लगा है पार्टी का, उसका नीचे ही दिखता है वो। फिर आता है पटक से हेडशॉट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों, आप सब लोग को अब रिलैक्स होकर एंजॉय कीजिए गेम प्ले को। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बंदा दिखता है सामने और मैं उसे स्नाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ, पर वो बंदा भी काफ़ी प्रो था जो काफ़ी कूद कूद के मेरे गोली से बच जाता था और वो भी मुझे फायर देता था। वो अपने एयर से फायर करता था और मैं अपने स्नाइपर से। वैसे दोनों के पास स्नाइपर था, उसके पास भी M24 था, मेरे पास भी M24, पर उसके पास लेवल 3 का हेलमेट था इसलिए मैं स्टिल रहने की रिस्क नहीं ले सकता था यहाँ पे, इसलिए मैं पूरा कंटिन्यूस फायर करता था हिल डुल के। मेरा एक भी गोली नहीं लगा उसे। फिर मैंने M416 पे स्विच किया और मारा तो एक गोली लगा बस। और उसके बाद मैं फिर से अपने 6X को M24 पे लगाता हूँ। फिर भी यहाँ पे मेरा एक गोली नहीं लगा उसे, वो बच जाता, वो मतलब बच जाता था मेरी गोली से और मैं उसकी गोली से। किसी का गोली किसी को भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने फिर से स्विच किया 6X को और M416 पे लगा या और मारा तो उसे एक हेडशॉट लगा और उसे एक बॉडी शॉट लगा। फिर
फिर मुझे लगा कि वो बंदा इस घर के अंदर छुप गया है, और फिर मैंने डायरेक्ट रश कर दिया, पर उसने प्री फायर दिया और घर के पीछे से निकला तो डायरेक्ट हेडशॉट दे दिया, इसलिए मैं बच गया। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहता हूं। तो गाइस मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।